मोरिंडा में देर शाम इलाके के नौजवानों ने इकट्ठा होकर लुधियाना चंडीगढ़ हाईवे पर धरना देकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जहां किसान मजदूर एकता के हक में आवाज उठाई है, वहीं नौजवानों ने कहा कि पंजाब सरकार ने घर घर नौकरी और रोजगार देने और बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। अब सरकार के वह वादे कहाँ हैं? नौजवानों ने बताया कि वह इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि केंद्र सरकार तो किसानों की बात नहीं सुन रही, वहीं पंजाब सरकार ने भी गांव-गांव जाकर नौजवानों को रोजगार देने के वायदे किए थे, आज उन्हें क्यों नौकरियां नहीं दी जा रही और बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया जा रहा। नौजवान सरकार से सवाल करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और अपने गांव-गांव घर घर जाकर रोजगार के नाम पर वोट लिए थे, आज सरकार कहाँ है? अब चुनाव के समय कोई भी नेता उनके गांव में वोट मांगने आएगा तो हम उनसे जरूर सवाल पूछेंगे कि जो नौजवानों के साथ उन्होंने वायदे किए थे वे वायदे आखिर कहां गए और उनका विरोध किया जाएगा। वहीं स्थानीय किसान नेता ने भी कहा कि नौजवानों का यह अच्छा कदम है, अब नेताओं को भी समझना होगा कि नौजवानों के लिए कोई अच्छे कदम उठाए, नहीं तो यह नौजवान नेताओं के गाँव में घुसने पर विरोध करेंगे। मकसद अपना रहा जो रोज़ मजारा करना असी ना ओएसए स्टूडेंट यूनियन वालों मैं प्रेजिडेंट हाँ उसके वालों ना असी एक मुहिम शुरू की जमीर जगाओ मुहिम उद्दे असी स्टूडेंट्स सारे नौजवानों अवेयर कर रहे हैं उसके संबंधी अज असी इकट्ठे हुए हैं किसानी संघर्ष संबंधी। तो दूजी गल साडी वड्डी इह है जी कि यूनिवर्सिटी का जिहड़ा कब्जा हो रहा केंद्रीकरण करन लगे हुए सैनेट की इलैक्शन डिले कर रहे हैं उसके संबंध में असी इकट्ठे हुए हैं। तो दू एक साडा यह मुद्दा लेके इकट्ठे हुए हैं जी एक जिहड़ा सरकार ने वादा किया कि नौकरियां देण दा घर घर नौकरी वो कित्थे है अज अज 200-300 मुंडा इकट्ठा होकर इत्थे पहुंचे है सारे बेरोजगार है। तो एक साडे बेरोजगारी भत्ते की गल हुई थी वो भी सरकार ने कितने नहीं दिता है। तो सरकार सानू लारा ला के लंघ दियाँ बढ़दियाँ तो जिस तो दुखी होकर अक के अज नौजवान सड़कों पर आए हैं। तो यह सरकार कैप्टन सरकार मंत्री चन्नी सवाल करना है भी साड़िया नौकरियां कितने हैं जिसका तू वादा करके साडे पिंडां विच वोटां लेके आया सी हाथ बढ़ा के वोटां पाईआं वो अज कित्थे आ नौकरियां अज नौजवान सारा इकट्ठा होकर इत्थे सवाल करना है। तो नौजवानों भी असीं इक वड्डी अपील ये भी करना आए हैं कि ज्ञानी वर्गे या गरेवाल वर्गे बार बार यही गल्लां कही जांदे सीगे भी इह कानून काले कित्थे आ क्यों कहने यह कानून वधिया बनाए काले कित्थे आ जिथे कि इन्होंने उहदे विच दित्ता है कि असी SDM कोले जा सकते जे साडे नाल कोई धक्का हुंदा है असी कितने बाहर कोर्ट च सिविल कोर्ट असी केस नहीं अपलाई कर सकते। अज तुसी देख चुके हो रिजल्ट देख चुके हो जो किसान 9 महीने तो वाटर से पिट पिट के कह रहा कि SDM ने साडा कुछ नहीं करना अज उही गल हुई करनाल दे विच उही SDM खड़ के उही सरकार की शह से अंबानी अडानी के शह से कह रहा है इस किसानों के सिर फोड़ दो। फिर अज पता तो क्लीयर हो गया भी SDM ने सुननी बाद भी इन्हों की वो साड़ी किसी ने नहीं सुननी जिसके संबंधी अज लोगों अवेयर करके असी अज इकट्ठे करके नौजवानों घर च लेके आए भी अपने हक हक मंगीए इन्ह सरकारों डिपेंड ना रहिए इन्होंने सानू लुट के खा जाना असी बाद च पछताउण दा कोई फायदा नहीं। अगे तो जी मंत्री वगैरह वोटा मंगने आने उन्होंने की सलूक करोगे बिल्कुल जी इन्होंने पिंडा च विरोध करेंगे असं इन्हों पुछांगे सवाल कि तुम साडा अज तक 74 साल सानू लुटे आ साडे बाबिआं नू बुद्धू बना के लंघदे बणदे सी तुसीं साडे नाल वादा करके आए हो तुसीं गुटका साहब नाल हाथ च सहुं चक के सहुं चक्की भी नशे बंद कर देंगे किहड़े पिंड च नशे बंद हो गए जी। यह गुरु साहब की सीधी बेअदबी करी है इन्होंने तो कोई परचा नहीं होंदा 295 का जी सीधी बेअदबी करके आए हैं तुसीं बेअदबी के दोषियों को लभदे फिरदे हो। कैप्टन ने तो सीधी गुरुद्वारा साहब को हाथ करके गुटका साहब चक के सहु खाधी है तो वड्डी बेअदबी की हो जूगी यह तो सानू जानना पैना भी यह हर बार लुट के बन लंघते बनते हुण सिद्धू आ गया उही गल्लां जीजा साला इन्हां ने जीजे साले दे अंदर जेल जाण नाल सानू कोई फर्क पैना नौजवानों नूं नौकरियां मिल जूंगी जी यह सवाल पुछदे आ। एनस्टार न्यूज़ के लिए रूपनगर से सुषमा मॉडगिल की रिपोर्ट।